दोस्तों आज हमारे साथ हैं डीवाईएसपी रोशन कुमार और इनसे हम जानेंगे कि इनकी जर्नी क्या रही, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या रही, प्रीलिम्स में इन्होंने अपनी रणनीति को कैसे अपनाया, मेंस की क्या रणनीति रही, इंटरव्यू की अप्रोच क्या रही और इन्होंने इतनी बढ़िया जो रैंकिंग प्राप्त की, ही गॉट फिफ्थ रैंक इन डीवाईएसपी, डीएसपी जो है वो फिफ्थ रैंक रही, इनकी ओवरऑल ओवरऑल रैंकिंग इनकी क्या रही, ये सब कुछ हम इनसे जानने वाले हैं डिटेल में। तो स्वागत है आपका रोशन जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी। नमस्ते जी आपको। बिल्कुल, तो मेरे कुछ सवाल होंगे रोशन जी आपसे इसमें, कि सबसे पहला प्रश्न ये है कि पीएससी की तैयारी करने का ख्याल कहाँ से आया आपके दिमाग में, वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा जहां से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? पीएससी की प्रेरणा जहाँ मेरे मतलब स्कूलिंग थी उसके जस्ट सामने एक संस्थान था जहाँ पे पीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो उनका बराबर आना जाना मेरे स्कूलिंग में रहता था और लेक्चर होते रहे, तो उनसे ही प्रेरणा ये मिली कि पीएससी के द्वारा जो पोस्ट मिलते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इस पोस्ट के मतलब कि जो पीएससी की पोस्ट है कुछ, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर या डीवाईएसपी हो या फिर यूपीएससी की आईएएस आईपीएस, इनके द्वारा किस तरीके सामाजिक कार्यों में कर सकते हैं और उनमें क्या प्रेस्टीज है, तो इसको देखते हुए इसमें आने की प्रेरणा मिली। ग्रेट। शुरुआत में आपके जब इनिशियली आपने तैयारी करना शुरू किया तो कुछ चैलेंजेस रहे होंगे जो जनरली सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो वो चैलेंजेस क्या no थे, वो doubt. चुनौतियां क्या था? सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और जो मेरे सब्जेक्ट थे पीएससी या यूपीएससी के देखे जाए तो वो आर्ट सब्जेक्ट थे, चाहे वो देखा जाए हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट देखे तो वो ज्यादातर आर्ट सब्जेक्ट के थे, लेकिन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से मैंने मतलब कि 12th तक किया था, तो पहला तो चैलेंजेस यही था कि ये सब्जेक्ट के बारे में जाने, और सेकंड जो था वो ये था कि कोचिंग करें या ना करें, तो एक बड़ा डिसाइड ये भी करना था, और थर्ड ये क्या था, मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था स्टार्टिंग में, तो एक सब्जेक्ट को लेकर के भी था भ्रम था कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लूँ या आर्ट सब्जेक्ट के लूँ, तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम थी जो शायद सभी में रहती है, वही प्रॉब्लम मुझे भी आई स्टार्टिंग में, और देन जब उन प्रॉब्लम से गए तो अपने आप ये प्रॉब्लम दूर होती रही। डेफिनेटली प्लानिंग जो थी आपकी एग्जाम को लेके, वो प्लानिंग क्या थी, क्या आपने प्रीलिम्स को किस तरीके से फोकस किया, मेंस के लिए एक रणनीति रही होगी और ऐसी क्या रणनीति रही कि आपने सेकंड अटेम्प्ट लिया और इतनी बेहतरीन आपकी रैंकिंग थी? मैंने स्टार्टिंग से मेंस को पकड़ा, प्री को स्टार्टिंग में नहीं रखा, मैंने क्या पहले मेंस को किया, सबसे पहले तो एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट की, बेसिक था जो बेसिक मुझे चाहिए था वो बेसिक मैंने कंप्लीट किया, देन जो कुछ स्पेशल बुक जी को पता है चाहे वो लक्ष्मीकांत हो या इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह हो, कुछ ऐसी बुक्स लिया उनको पढ़ा, स्टार्टिंग मैंने मेंस से की, सिलेबस सामने रखा, जो सिलेबस था प्रीवियस पेपर मैंने सामने रखे कि पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो पैटर्न रखा और एक तरफ मैंने सिलेबस रखा, जब भी मैंने पढ़ाई की सिलेबस को साथ में रखा, एक एक टॉपिक को उठाया, उनको टिक करता रहा, उनको कंप्लीट करते रहे, जो मेरा पहला फोकस था वो था मेंस था, अगर आपका मेंस तैयार रहता आप उसमें कमांड कर लेते हैं तो प्री तो हो ही जाता है, क्योंकि प्री मेंस के ही जो कंटेंट है उसी का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि अगर देखा जाए यूपीएससी में तो थोड़ा सा जी वो ट्रिकी रहता है, लेकिन वही अगर पीएससी के लिए देखा जाए तो डायरेक्ट ही मतलब ऑब्जेक्टिव रहते हैं और डायरेक्ट ही फैक्ट ही पूछे जाते हैं, तो मैंने मेनली फोकस मेंस में किया, अगर मेंस तैयार हो जाते हैं, अगर मेंस में फैक्ट भी रहते हैं, फैक्ट भी तैयार करने रहते हैं, सब कुछ ही रहता है, अगर वो अगर प्रॉपर तैयार है तो प्री अपने आप ही तैयार हो जाता है, और जब प्री आया तो उसके 2 महीने पहले से प्री में पूरा फोकस किया, देन पेपर लगाए मैंने, जिससे मेरा मतलब कॉन्सेंट्रेट जो रहे प्री में कहीं गलत ना हो, कई बार क्या हो जाते हैं कि हमको कुछ गोला भरना है कुछ और भर देते हैं और दिमाग में मतलब बहुत सारी भ्रांतियां फैलती रहती है कि ये भी सही हो सकता है ये भी सही, लेकिन बार बार पेपर लगाने से ये कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये सही होगा और एक एक्सपीरियंस भी आ गया उससे, और मेरा प्री जितनी बार भी दिया मैंने सारी बार प्री निकाला है। वाह ग्रेट 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 ग्रेट। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब पहला पड़ाव आपने पहली बार पास किया, जब आपने प्रीलिम्स पहली बार क्लियर किया,
तो उस समय आपको कैसा लगा, वो एक्सपीरियंस क्या था आपके लिए कि आप मैंने मेंस फर्स्ट मेरा टाइम जो है हो जाएगा ये था, या उस समय भी आप डिलेमा में थे कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, द काइंड ऑफ सिचुएशन? एक डिलेमा था, क्या हुआ मेरा प्री निकल गया। प्री जो मेरा फर्स्ट टाइम का निकला वो था मेरा सी सेट की वजह से। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, मैथमेटिक्स मेरा था, तो जो फर्स्ट टाइम का निकला वो जीएस की वजह की अपेक्षा सी सेट की में ज्यादा अच्छे मार्क्स थे, तो सी सेट के कारण जी निकला। तब मेरा मतलब कि मैं पीएससी के लिए पूर्णतः तैयार नहीं था, लेकिन हाँ प्री निकला, मैं बहुत खुश था। नो डाउट एक खुशी थी कि प्री निकला, देन मेंस निकले का, जो मुझे एक जॉब चाहिए थी, एक जो मेरे मतलब हमेशा ड्रीम जॉब थी वो मिलेगी। मैंने हमेशा डीसी डीएसपी और अदर जो भी जॉब थी उसके बारे में सोचा था पीएससी के थ्रू पे, और वैसे मैंने यूपीएससी के लिए सोचा था। और एक और चीज मेरे से जो गलती हुई फर्स्ट टाइम में वो ये हुई थी कि मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज प्रॉपर नहीं की थी, लेकिन की जी प्रैक्टिस नहीं की। मैंने इंजीनियरिंग किया, मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड रहा, मैंने इंग्लिश से लिखा, लेकिन जैसे ही मैंने पीएससी किया मैं हिंदी में आ गया था, तो मेरे लिखने की जो स्पीड थी वो बहुत कम हो गई। जो मेरा फर्स्ट टाइम ना निकलने का सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि मैंने मेंस में प्रॉपर नहीं लिखने की पहले से प्रैक्टिस की, और जब पेपर में लिखने हुआ तो मेरा बहुत सारा सिलेबस मतलब बहुत सारा पेपर छूटा। और मैंने कॉपी देखी थी उस साल की, तो जितना मैंने लिखा था उसमें अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन वही हुआ के ग्रेट, कारण मेरा फर्स्ट टाइम में छूट गया था। बट ये गलती से मैंने दोबारा सीखा, और सेकेंड बार मैंने बहुत सारे मतलब टेस्ट पहले से ही लगाए, सभी लिखा, और एक कॉन्फिडेंस भी आया, और एक तरीके से लिखना। कॉपी चेक कराई मैंने उनसे, अपने टीचर से भी चेक कराई, अपने दोस्तों से भी कराई। क्या होता है कि खुद की गलती खुद नहीं पकड़ पाती, लेकिन दूसरा गलती पकड़ लेता है। साथ ही मैंने अपने दोस्तों की कॉपियां भी पढ़ी, तो कुछ पॉइंट मुझे अपने से मिले। तो जो गलती मैंने फर्स्ट टाइम की थी वो गलती मैंने सेकेंड टाइम नहीं की, उससे मैंने सीखा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। अच्छा, मैं एक अगला जो है मेंस एग्जाम जब दिया उसका अनुभव क्या रहा? जैसे अभी आपने मेंस का मुझे थोड़ा बहुत बताया कि जब मैंने पहले टाइम दी तो आपने टेस्ट सीरीज नहीं की, तो उसका एक कमी आपको लगी कि आपकी स्पीड कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई। आप मेरा क्वेश्चन मेन यहाँ ये है कि मीडियम को लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, क्योंकि जहां तक है जो कहा जाता है, जो अच्छे अभी तक जितने भी ऑफिसर्स हैं उन जितने भी इंटरव्यूज मैंने किए हैं कि सर 11th 12th आपका जो मीडियम रहा है वही मीडियम आपके पीएससी के एग्जाम का होना चाहिए, मेंस के अप्रोच का। तो कहां तक ये बात सही है, आप क्या मानते हैं? मेरा तो ये मानना है आपका मीडियम वो होना चाहिए जिसमें आप सोच सके, जिसमें आपकी मतलब थिंकिंग हो, और जिसमें आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो, जिसकी ग्रामर और वोकैब वगैरह आपकी बेहतर हो, मीडियम आपका वो होना चाहिए। अगर उससे आपने मतलब बैकग्राउंड जी मतलब सब तरीके से वही हो, मदर टंग भी हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता उसमें अच्छी रहती है। मैं मीडियम को बहुत बड़ा वो नहीं मानता। आपका मीडियम अगर हिंदी है इंग्लिश है, लेकिन आप किस में कमांड रखते हैं, हिंदी में ग्रेट, कमांड रखते तो हिंदी में रखिए, इंग्लिश में कमांड रखते तो इंग्लिश रखिए। सभी मीडियम में आप मतलब तय कर सकते हैं अपनी जो भी चाहिए आपको, क्योंकि सारी मीडियम से ही सभी ने सब कुछ निकाला है, पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। ग्रेट। कोई बुक लिस्ट जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि मैंने ये पढ़ा और मेरा मूल मंत्र ये था पीएससी का, और आप अगर इस तरीके से इसे फॉलो करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं वो रास्ता मिल सकता है जो मुझे मिला है? वैसे सभी का जो एक पढ़ने का तरीका रहता है वो अपने आप में अलग होता है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट तो नहीं है, सबके अपने अपने तरीके रहते हैं। बिल्कुल हाँ मेरा जो तरीका रहा वो मैं बता सकता हूँ कि मेरा तरीका ये था कि मैं टारगेटेड पढ़ाई करता रहा, कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना, या एक दिन में मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करना, टाइम में हो रहे मुझे इससे मतलब नहीं। वो 5 घंटे में भी हो सकते थे, 12 घंटे में भी हो सकते थे, लेकिन हाँ मैं एक टारगेटेड पढ़ाई करता था, 7 दिन का, कभी कभी पर डे का सब्जेक्ट वाइज देख लेता था, और एक सब्जेक्ट मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना, मैंने पूरा एक टाइम टेबल बनाया था, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा। साथ ही साथ मेरा जो रहा, मैंने मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया, क्योंकि जो अल्टीमेट जो रैंक मिलती है वो मेंस प्लस इंटरव्यू से मिलती है। प्री सिर्फ आपको क्वालिफाइड कराता है, मेंस के लिए पहुंचाता है, लेकिन मेंस अगर आपका प्रॉपर तैयार है तो प्री भी लिख लेगा, इंटरव्यू भी आपकी प्रॉपर तैयार हो जाएगा, और साथ ही साथ आप अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक टारगेटेड दिन में ये सब्जेक्ट करना है, तो
और वो सब्जेक्ट होने के बाद मैंने एक और चीज़ किया, उसका एक प्री का पेपर भी दिया, साथ ही साथ जो मैथ्स था उसका पेपर मैंने प्रीवियस पेपर भी निकाले, यहाँ पे कई बार कोचिंग के भी पेपर मिल जाते हैं तो उन टेस्ट पेपर को लिखा, साथ ही साथ जो भी पुराने मतलब कि जो अनुभवी लोग थे उनको चेक कराया, अपने दोस्तों को चेक कराया, उनसे पूछा कि इनमें क्या गलतियां हैं और किस तरीके से उनको सुधर सकता है, जो गलतियां उनने बताई उनमें सुधारा और इम्प्रूव किया, लगातार मैं करता रहा, जिससे मैंने आगे चल करके नो डाउट जो 2015 की पीएससी है उसमें मैंने अच्छे मार्क्स पाए। ग्रेट। और इस पूरे जर्नी में आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा, वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कुछ रहा होगा आपकी लाइफ में, है ना, जिन्हें आप ये क्रेडिट देना चाहते हैं कि इनकी वजह से मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्विच करके आप जो है सिविल सर्विसेज की ओर बढ़े। मैं इस चीज में सबसे पहले तो अपने पिताजी को ही बोलूंगा, वो मेरे पिताजी के अलावा मेरे दोस्त भी हैं, सबसे बेहतर दोस्त हैं, जिनसे मैं हर चीज शेयर कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। कभी कभी अगर मैं दुखी भी रहा हूँ तो मैंने अपने पिताजी को शेयर किया, उन्होंने उस चीज को दूर किया है। और हम कभी कभी ऐसा भी रहा कि हम पिताजी के साथ कहीं घूमने भी गए हैं और चीज़ों को अलग किया। इसके अलावा दूसरा परिवार है ही और एक मेरे दोस्त भी, दोस्तों ने भी बराबर मेरा साथ दिया। और कुछ भी जब भी मैं दुखी, मेरे फर्स्ट टाइम मेरा नहीं निकला था तो मैं बहुत दुखी हुआ, तो तब मेरा साथ जो है ना दोस्तों ने ही दिया। मैं कुछ 2 दिन तक या 3 दिन तक बहुत दुखी रहा तो उनके साथ मूवी भी बहुत देखा, बाहर घूमने भी गया इंदौर में, राला मंडल हो चाहे कहीं पर भी हो, बहुत घूमने भी गया उनके साथ, मूवी देखा मैं, तो उनने मेरा बहुत साथ दिया ऐसे सिचुएशन से निकालने के लिए। उन्हें मोटिवेट भी किया कि भाई एक निकल गया तभी कंटिन्यू दूसरा पेपर ही आ गया था मैं इसका, तो फिर मैं उसमें लग गया और देखा कि पुराने जो मैंने मतलब कि कॉपी लिखी थी उसमें गलतियां थी नहीं, मैं सुधारता, तो उन्होंने बोला देखो ये गलती थी इसलिए नहीं हुआ लेकिन अब तो बहुत सुधार है, ओके आएगा, तो इस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया और नो डाउट वो आगे बढ़ते गए, एक प्रेरणा भी मिलती रही और कुछ वीडियो का भी सहारा लिया है, चाहे वो अनअकैडमी हो चाहे किसी दूसरे भी हो, तो सबका सहारा लेते हुए आगे रहा और आज इस पोजीशन में, और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी भी लगातार कर ही रहा हूँ और ये सब चीजें थी जो मुझे आगे बढ़ाती रही है। तो मैं सबसे और यही मैं मतलब सबको कहना चाहूंगा कि लगे रहो, पीछे मत देखो, क्योंकि आप अगर फेल होने के बाद अगर दुख मनाओगे तो दुखी ही होते रहोगे, आप उससे सीखो और आगे बढ़ते रहो, निश्चित ही आप कुछ ना कुछ पालोगे। ग्रेट 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 रोशन जी, ट्रूली इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, बहुत मजा आया पूरे स्टोरी में आपकी जर्नी जान के। अब मतलब आपका फ्यूचर ड्रीम, आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी अटेम्प्ट लें और आप कौन सी कोर्स लेना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस, व्हिच वन इज योर बेस्ट चॉइस? आईपीएस आईपीएस आप लेना चाहते हैं? मेरा बैकग्राउंड मेरा डीएसपी रहा है और मेरा इसमें पुलिस में एक्सपीरियंस भी रह चुका, तो मेरा जो प्रायोरिटी है वो मेरी आईपीएस ही रहेगी। तो पुलिसिंग ही क्यों, प्रशासन में और भी चीजें हैं? हाँ प्रशासन में, लेकिन मैंने बोला वही कि मेरा इसमें अनुभव हो चुका है, और पुलिसिंग के द्वारा आप हर फील्ड में वर्क कर सकते हो, आप सामाजिक तौर पे देखा जाए तो पुलिस के तौर पे आप हर एक व्यक्ति की मदद कर सकते हो, और देखा जाए तो पहला अगर न्याय का मंदिर तो वो थाना है या पुलिस ही है, कोई भी दुखी होता है कुछ भी होता है सबसे पहले पुलिस के पास ही आता है, पुलिस के बाद कोर्ट में जाता है अगर कहीं और जाता। मैंने गांव में, मैं वर्तमान में थाना प्रभारी के रूप में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ इस चीज, कुछ भी होता है गांव हो चाहे कहीं पर भी कुछ भी होता है सबसे पहले व्यक्ति इस दुख को दूर करने के लिए थाने में ही आता है, तो ये सब चीजें जिसको देखते हुए मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, पुलिस में ही रहना चाहता हूँ, और मेरा 2 साल में एक्सपीरियंस भी हो चुका है इसमें, अनुभव भी हो चुका है, तो ये सब देखते हुए मेरे जो मेरी फर्स्ट चॉइस है वो मेरी आईपीएस ही है। ग्रेट। जब आपका रिजल्ट आया था, जब आपको पता लगा कि मैं फाइनल सेलेक्ट हो गया हूँ और मेरी ये रैंक है और मेरे ये मार्क्स हैं, सो व्हाट वाज दैट एक्साइटमेंट? सबसे ज्यादा जो है आपने सभी को जा जाके बताया या फोन आने लगे, मतलब व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? वो तो होता है कि जब किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कोई सिलेक्शन होते हैं तो एक का एक बहुत सारे कॉल आने लग जी। तो पहले तो मैंने नंबर देखे थे तो 2014 में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन 2015 मार्क्स बहुत अच्छे आए सभी के, तो जब मैंने सबसे पहले मार्क्स देखे, क्योंकि रैंक नहीं आती है, तो मुझे लगा कि शायद मेरी बहुत अच्छी रैंक है क्योंकि प्रीवियस में इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, तो मैंने वैसे उस समय जब फर्स्ट टाइम था उस समय सोचा था कि मैं बहुत अच्छी रैंक पाया, स्टार्टिंग में डीसी सोचा था,
फर्स्ट रैंक की, सब जो सभी सोचते हैं, तो मुझे लगा मुझे अच्छी रैंक मिल चुकी है, मैं बन चुका हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली देखा कि मैं डीएसपी हूँ, जिससे मैं दुखी बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि नो डाउट डीएसपी भी बहुत अच्छी पोस्ट है, डीसी इक्वली जैसे आईएएस आईपीएस वैसे ही डीसी एंड डीएसपी है। हाँ, और तुरंत ही कॉल आया, मेरे घर वाले बहुत खुश थे और सभी बहुत खुश थे। उस दिन मैंने बहुत पार्टी भी बनाई, दोस्तों को भी पार्टी थी, उन सभी को दिया जो 2014 में मुझे प्रेरणा दी थी कि भाई लगे रहा, मतलब कुछ नहीं हुआ तू तो लगे रहा, मेरा साथ दिया था, पार्टी मनाई, वो बहुत एंजॉय किया उस दिन को। हाँ, आने वाले चैलेंज को भी मैंने देखा कि जॉब के तौर पे मुझे क्या करना है, फिर आगे मतलब दूसरे दिन, उस दिन तो मैं पूरा दिन एंजॉय किया हूँ और बहुत डांस किया उस दिन, और डांस करने के बाद उस दिन मेरे को कॉल भी बहुत सारे आए, मैंने दोस्तों से बात की, मम्मी पापा एंड रिश्तेदारों से, और बहुत एंजॉय किया उस दिन। एक लगा कि हाँ शायद मेरा एक चेंज हो गई लाइफ में, एक अलग अध्याय जुड़ चुका है, ये सब रहा उस दिन का एक्सपीरियंस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके इस सफर के लिए कि वन हु सर्च फॉर पर्ल्स मस्ट डाइव बिलो, जिसे मोतियों की तलाश होती है गहरा गोता लगाना ही पड़ता है। आपने डेफिनेटली अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। अनअकैडमी परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है, आपके फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे भगवान से ऐसी कामना है कि जो भी आप जीवन में चाहें आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जी।